गाइस कैसे हैं आप। चलिए आज का टॉपिक है अपने क्रोम ब्राउजर पे या कोई भी मोजिला फायरफॉक्स पे अगर कोई भी मैलवेयर अटैक करता है, जैसे कि कोई भी अपने ऐड कंप्यूटर पे कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं गूगल क्रोम पे वगैरह, तो बाय डिफॉल्ट एक वहाँ पे एक लेकिन जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट पॉपअप होता है वो कुछ नहीं होता है बट वो एक टाइप ऑफ मैलवेयर होता है। जैसे आपने मैलवेयर पे क्लिक किया तो हैकर्स क्या करते हैं अपने पूरी डिटेल्स अपने कंप्यूटर से उठा लेते हैं, तो वो ना हो इसलिए मैंने आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो विदाउट एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप वो मैलवेयर को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाउ टू रिमूव मैलवेयर फ्रॉम कंप्यूटर्स। ठीक है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया या कोई भी एक ब्राउजर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो आज तो वो हम जानेंगे कि किस तरह से वो अपने को रिमूव करना है। चलिए, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे वो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो लिंक का नाम है cleaner.this। ठीक है, cleaner.this है और एप्लीकेशन का नाम है AWCleaner। ये क्या करता है, हर एक ही घंटे में नया अपडेट्स ला के देता है, मतलब हर एक की वेबसाइट पे नए नए अपडेट्स मिलता है। मतलब जैसे ही टाइप ऑफ उन्होंने एंटीवायरस को भी अपडेट करते हो तो वैसे ही टाइप का AWCleaner पैकेज रहता है जो क्लियर करते हैं अपने क्रोम पे वगैरह कि अपने मालिक कौन सा डेटा जो है पूरे के पूरा आपको वहाँ पे डिटेल पे। चलो मैं आपको लिख के चलता हूँ living computer.com वेबसाइट पर। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर आपको डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है AWCleaner। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हो आपको सर्च का ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ऐसे टाइप का जो एड्स आते हैं ना आपके, तो यहाँ पर आपको मालवेयर डिटेक्ट होता है कंप्यूटर पर, उसको रिमूव करना है। इसको क्लिक करना है आपको cleaner.com, आपको डायरेक्टली मैं लिंक भी दे दूँगा ये ना आपको आपको डायरेक्टली आ चुका है। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ, मेरा ये डाउनलोड हो रहा है एप्लीकेशन। क्या करना है आपको, जैसे डाउनलोड करना है करने के बाद उसको इंस्टॉल नहीं करेगा एप्लीकेशन, ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट आपको वहाँ पर पूरा फाइल को स्कैन करेगा। ठीक है, जैसे वो स्कैन करेगा अपने गूगल क्रोम को बंद कर देगा, मोज़िला को फायरफॉक्स को बंद कर देगा, उसके बाद फिर वो स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद अपने को पूरा इन्फॉर्मेशन देता है कि ये अटैक कहाँ से आया है, पूरा कहाँ पे ये लोकेशन पे सेव। ठीक है, तो वो अपन इस तरह से इस टूल के जरिए अपन इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा अब यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड होने जा रहा है, ऑलमोस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। देखो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा इसके लिए, मेरा भी एक एप्लीकेशन आ रहा है आपको इस तरह से आपको एक आएगा, आपको यहाँ पे स्कैन करूँगा। मैं लास्ट टाइम स्कैन किया था, अब मैं स्कैन करूँगा, लेटेस्ट डेटाबेस डाउनलोड करेगा। आपको यहाँ पे सेटअप नहीं करना है ये, ठीक है, आपको यहाँ पे सेटअप करने के लिए नहीं बोलेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद अपने जो भी ब्राउजर वगैरह उसको क्लोज कर देगा। इस तरह से मेरा स्कैनिंग प्रोसेस चालू हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे मुझे दो डिटेक्टेड आइटम्स डिटेक्ट किया है, यहाँ पे इस तरह से दो डिटेक्ट किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर पूरा शो करेगा कि उसको किस तरह से मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पीपी करके क्रोम ब्राउजर में pc.one करके एक तो ऐड ऑन है, मेरे ब्राउजर पे मुझे इशू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा क्वांटिनेट, तो आप इस तरह से अपने कंप्यूटर पे जो भी मैलवेयर वगैरह जो भी आता है वो पॉपअप्स आते हैं उसको क्लिक नहीं करना है, और जैसे आप उसको क्लिक करोगे आप अपने कंप्यूटर में वायरस इन्फेक्शन पाओगे। उससे अच्छा आपको मैं वही बोलूँगा कि अपने कंप्यूटर को AWCleaner क्या करेगा, पूरे वायरस को पूरी तरह से।
अच्छे से मेंटेन रखना है तो आपको कंटिन्यूसली 2-4 days में आपको उसको कंप्यूटर को स्कैन करना है, और स्कैन करके आपको स्कैन करने के बाद उसको रिमूव करना है और एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। आप ऐसे करते रहोगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस का इशू, मालवेयर का इशू आपको